के बाद अस्त होता है, लेकिन छठ पर्व हमें सिखाती है कि अस्त के बाद उदय सुनिश्चित है। इसलिए हम अस्ताकाल सूर्य को प्रथम पूजते हैं, फिर उगते सूर्य को पूजते हैं। ये छठ पर्व का ये महत्व है, इस ये हम छठ व्रती श्रद्धालु जो है पहले रुमकी झुमकी बेटी मांगते हैं, इसलिए पहले सशस्त्रीकरण का जो है एक उदाहरण है। और इस छठ महापर्व में सरोवर तालाब की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। इसलिए ये जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज सारा देश भक्तिमय है, छठ मैया की आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है और सूर्य भगवान को इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित कर रही है। धन्यवाद। विधायक जी ने पिछले वर्ष भी एक कुंड का यहाँ पर घोषणा किए थे, जो अभी बनना है, कोरोना काल में डिले हो गया है, वो बनेगा। यहाँ पर एक अस्थायी मंच बनेगा, जिसके कारण कि अस्थायी मंच न बनाना पड़े और इन श्रद्धालुओं को रखने के लिए अच्छे ग्राउंड और चौमुखी जो है सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर घोषणा की है। लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा, जो बिहार सांस्कृतिक परिषद के द्वारा सरस्वती मंदिर सेक्टर बरखेड़ा में भव्य आयोजन का ये 61वां साल है। और इस बार कोरोना महामारी के कारण जो COVID-19 के नियमों के तहत ये किया जा रहा है, फिर भी यहाँ लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार सांस्कृतिक परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर पिछले एक महीनों से स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई अभियान किया गया। यहाँ पर सूर्य कुंड जो तीन निर्मित है उसमें नर्मदा जल का भराकर यहाँ पर छठ व्रती श्रद्धालुओं को के लिए सुविधा दी गई है। कुएं से लाइव शावर लगाया गया है। छठ मैया के मधुरीन गीत संगीत पारंपरिक गायक जो लोक गीत है वो यहाँ पर लगातार कल सुबह तक जारी रहेगा, चलता रहेगा। और इस अवसर पर हमारे बीच माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर बिहार सांस्कृतिक परिषद के संरक्षक अभी पधार चुके हैं और क्षेत्रीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी भी यहाँ पर अभी पधारे चुके हैं और हमारे भाई और अभी शहर का जो SDM मनोज शर्मा जी हैं, वर्मा जी उपस्थित हैं और ये पूरे परिवार के साथ यहाँ कर रहे हैं छठ पूजा। और इस अवसर पर मैं महासचिव बिहार सांस्कृतिक परिषद समस्त श्रद्धालुओं एवं भक्तों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच साहब SDM साहब हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि ये शुभकामनाएं दें। क्या कहना चाहिए? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान सूर्य और छठी मैया सबके जीवन में आनंद लाए, सब सुखी रहे, सुरक्षित रहें। मैं आती हूँ तो कोई ना कोई मांग जरूर होती है और मेरी भी इच्छा यही होती है कि हर मांग अगली बार आने वाले पर्व के पहले पूरी कर दी जाए। इस बार जरूर छोटी सी कमी हुई है कि सैंक्शन स्वीकृति तो हो गई थी लेकिन कोरोना की वजह से वो कुंड नहीं बन पाया, लेकिन अब जल्द से जल्द वो कुंड भी बनेगा। और इस बार जो यहाँ मांग की है कि जिस मंच पर खड़े होकर हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इस मंच को स्थायी बनाया जाए। और